नमस्कार खबर फटाफट को आपण मानको स्वागत करूछि मु बंदिता फटाफट खबर को जिबा पूर्व प्रथम नजर पकाय नेबा एई बड खबर उपरे दीर्घ दिन व्यवधान परे कटक रे पुणी दुई अपराधी गोष्ठी को मध्यरे रक्ताक्त संघर्ष जोबरा बैरेज रो माछ मरा हला काल विपक्ष गोष्ठी रा आक्रमण रे गला कुख्यात अपराधी तपन नायक रो प्राण एथिस तपन रो जने सहयोगी अजय मध्य आक्रमण रे आहत होईछि हत्याकांड परे जोबरा अंचल रे कोकुआ भय सृष्टि होइथिया बेले अप्रीतिकर परिस्थिति को नियंत्रण करबा पई विभिन्न स्थान रे व्यापक पुलिस मुतयन होती माछ मरा को नहीं अपराधी हापी महांती गोष्ठी मध्य दीर्घ दिन धरी विवाद लागि रही पूर्व दुई गोष्ठी हाताहाती मध्य होते गतकाली राति प्राय साढ़े आठटा बेले सात रु आठ जन युवक नदीकूल साहि तपन घर को आसी तपन और अजय को भुजाली आक्रमण करते गुरुतर आहत होता तपन एसीबी भर्ती होता बेले आज भोर तर मृत्यु हो जाए अभियुक्त को धरिया गठन होनी टीम दस घंटा मध्य समस्त अभियुक्त को धराजी बोली अतिरिक्त डीसीपी सूचना गतकाली आम घर बोलू घर बसला डक डकना बाहर को डाकिला बाहर को आईला हटाई सात जन अटाक कर बुझीपाल जी जाऊर पाइला सी से मारी चलना तले पड़गला जान कौन सी छुरी बागे पिठी बड़े गली गली जाइए पेटर घप घप पुरे आगुरी धमका धमकी करते ये आसिक समय घर भी जनईला थाना भी जनईला भी किसी रियाक्शन ना फासी गुंड झूला जाऊ मो पुआर डेड बॉडी उठवा आगु घर लोक आरेस्ट कर तेणु कर डेड बॉडी की छाड़ी नचे छाड़ी ना मो पुआ मरी मरवा दरकार एक्यूज को धरवा टीम फॉर्मेशन कर मु भावुची विदिन 6 to 10 आवर्स वी विल एबल टू एप्रिहेंड द एक्यूज्ड बिकॉज आमर टीम पाखापाखी हेगलानी आउ वेरी शॉर्टली मु एक्यूज्ड को धरा पड़ेवार भी खबर मु आपनको देई परिबेनु मु आशा करूची तांकर एक्चुअली माछो व्यवसाय नैकिरी दुई जणक मध्ये गंडगोल थिला आउ जे मारिछि तार मध्ये क्रिमिनल बैकग्राउंड अछि आउ दुई जणक बिजनेस राइवलरी थिला बिजनेस राइवलरी रु ही ए गंडगोलटा हेछि एवं जणकर मृत्यु होइ अधिक आलोचना फोन लाइन प्रतिनिधि नभेश महांती नभेश घटनाक्रम कौन थिला एवं पुणी थरे ए जो बाद विवाद देखा मिली दुई अपराधी गोष्ठी मध्यरे पुलिस केते दूर एको प्रतिहत करिबार सक्षम हेबो देखो पुलिस उपर नियति अबे समस्तक नजर रही कारण गोटे घड़ी मुहूर्त देखिए बर्तमान कटक सहर जोबरा अंचल गति करुची कारण धल सामंत ग्रुप विरुद्ध पुलिस एक्शन नवा आरंभ कला से समय पर एवं ताठा पाखापाखि 4 वर्ष होला सेमिती कोनो सी बड़ धरणर संगठित अपराध कटक सरे घटना किंबा गैंगवार मध्य होइनाई किंतु एही जो घटना घटिला तपन नायक हत्याकांड घटना तबे निहाती आबे पुलिस पे बहुत बड़ चिंतार कारण पलटिची यदि एबेकर अपडेट कथा बंदिता कहबा तबे जहां सांबादिक सम्मेलन रे तिनाथ पटेल एडिशनल डीसीपी कटक सूचना देइछंती जे जो अभिजित मान अछन सेमानको ट्रेस करा जाइछि एवं सेमानको 7 रो 10 घंटा मध्य रे गिरफ करा जिवो बहुत पाखापाखि पुलिस अच्छी ये अभियुक्त मानक गिरफ्त करने धरिया पिछा करने तीनोटी स्वतंत्र टीम गठन करोटी टीम बर्षा बर्ष अफिसर मानक नियोजित कर दृढ़ोक्ति प्रकाश कर आसवान अच्छा 10 घंटा मध्य समस्त अभियुक्त जेल हाजत थे पुलिस कब्जा थे तेज घटनार मूल को जदि जा डीसीपी सांबादिक सम्मेलन सूचना देते मुताबक जोबरा बैरेज रो फाटक गुड़िक रही है फाटक गुड़ अपराधी गोष्ठी माने एक एक प्रकार कब्जा रे रखिछन् दीर्घ वर्ष धरी एवं ए जो मृतक जे रहिछन्ति तपन नाय से मध्य गोटे वेंट्रल आंटी सोशल एवं तांकु पूर्व एनकाउंटर मध्य करैतला पाखापाखी 8 रु 10 टी मामला तांकर कटक रे विभिन्न थाना रहिछि तपन रो हाप्पी गोष्ठी मध्य रे विवाद थिला पाखापाखी 8 मास हैला हाप्पी गोष्ठी ताकु चाप पकौतला जे जो तीनोटी फाटक कब्जा करिथिला तपन सेत्रु ओहरी जा पई किंतु तपन सेत्रु ओहर नथला कारण प्रचुर पैसा बेन भाव एथु मिलू सरकार एम को अनुमति देना कि जलसेचन विभाग मत अनुमति देना अपराधी गोष्ठी मैंने निजर दबदबा बजाय रखापर आधिपत्य विस्तार करने अर्थ रोजगार जबरदस्त निज निज भितर कंपिटन करतीयार कर गोटे पर गोटे फाटक और से फाटक तीनो फाटक कब्जा कर मृतक तपन नायक तेणु तपन और हापी गोष्ठी मध्य पाखापाखि 8 मास ते बद सृष्टि होता और परस्पर मध्य बाड़ापाड़ी होते से थाना को जाता मामला कितु से पुलिस कौन प्रकार पदक्षेप नहीं ना जहाँपर कि गत का राति में जिते बड़े तपन तार सहयोगी अजय बेहरा सहित घरे समय हापी तार अन्य सहयोगी मैंने
सीधासल घर को आसते पाखापाखि छह सात जन से संख्या कहुच पर लोक तो किसी लोक ना कौन जो मैंने जो मैंने मुख्य अच्छा हापी महांती सहित मुन्ना रेड्डी बापी कथा सामना को आसी ये सब जाक भेटर आंटे ना पूर्व अनेक मामला रही तेज एम घर भितर आसते सीधासल आक्रमण करते तपन को तेज तपन को आक्रमण होता देखी जिते बंधु सहयोगी अजय बेहरा प्रतिहत करने चेस्ट कले बचा चेस्ट कले आक्रमण कर मुंडे गभर आघात लगी पाखापाखि रात साढ़े आठटा बंदित यह घटना घटला और सात थर स्टाबिंग करागला क्षमा करेंगे चारि थर स्टाबिंग करागला पछपट को तीन थर और सामना पटे पेट को गोटे थर स्टाबिंग करागला तेज पछपट जो क्षेत्र था जो वुंड था से तो बेस किसी ब्लीडिंग है ना कि सामना पटे पेटर जो गभर आघात लगेगा पाखापाखि चार इंच डीप इंजुरी से प्रबल रक्तस्राव है और गुरुतर अवस्था कटक बड़ मेडिकल को रात ही अणाला आम रात कटक बड़ मेडिकल जाइलु कैजुआल भेटी आहत अवस्था से तपन तर कथा किसी कथा से कहीपार नले किसी खनई खनई पुलिस को बयान देते कितु आज भोर तर मृत्यु होगा तेज जहां डाक्टर सहित आलोचना कलु कह मुताबक अत्यधिक रक्तस्राव होता जो इंटरनल इंजुरी डीप थी जो मृत्यु घटी तेज घटना को लेकिन पुलिस महल में एक प्रकार कहीपर आक्टिवनेस बढ़ी जाती पुलिस टीम कटक सहर भुवनेश्वर एवं यार आखपाख अंचल चढ़ाव जारी रखी। अच्छा नभे जिते आम प्रतिक्रिया शुणुले अजय जिते प्रतिक्रिया शुणुले अजय को मध्य आक्रमण कर गुरुतर से आहत होती से निज प्रतिक्रिय कहते कि पूर्व धमक चमक मिली हापी गोष्ठी तरफ एने से पुलिस पाखे अभोग करते कि पुलिस सेत कि भी स्टेप नहीं नाला देखो से कथा पूर्व ही आलोचना करते पाखापाखि आठ मस ते हापी गोष्ठी और तपन गोष्ठी मुहांमुही होते जोब्रा ब्यारेज मारपीट उभय रही एने की थाना मामला था साधारण जिते दुई गोष्ठी भितर बिवाद थाए पुलिस भूमिका गुरुत्वपूर्ण थाए कि से पुलिस ये घटना को गुरुतर सह नहीं नाला और जहां फल कि हापी गोष्ठी तार राग रखी से कारण ही हत्याकांड घटी तेरे एवं सबुठ बड़ कथा रही जो गैंगवार एक प्रकार सृष्टि होती यह जोब्रा भितर सीमित हो रू कटक सहर को न व्यापू कारण जब व्याप तेज व्याधि भली महामारी भली कटक सहर जो भाया जर्जरित अपराधी मान द्वारा ता मुक्त था एवं ताप जोब्रा कथा यदि पर्टिकुला बंदिता कह जोब्रा अनेक अपराधी चरा भई रही एवं रही विशेषकर राजा आचार्य कथा कह कुख्यात अपराधी राजा आचार्य कर्मभूमि एक प्रकार जोब्रा था रंजन महांती जे कि मृत्युवरण कर सारी जहां पुआ हापी महांती घटना घटी से गोटे बहुत बड़ क्रिमिनल और दुई बर्ष मृत्यु घटी दल सामंत ब्रदर्स यही अंचल आक्टिवेट करती तपु भाई एकाधिक लोक निमेशपुर आसिक आक्टिविट थाए एमती अनेक लोक अच्छा जो मैं चग गणा जाए से अनेक लोक एबी जेल अच्छा किसी लोक जेल रु बेल आपर से आक्टिविट चलू ये हापी कथा कह हापी पाखापाखि दुई मस तेल इलेक्शन पूर्व गोटे बंदूक धरा है और से 110 दिता 110 सीआरपी सर धारा से जेल को जाता किसी दिन तेज फेरी फेरला तर आक्टिविट पुणी जारी रखी एवं हत्या मामला पुलिस रुजु करी पुलिस दृढ़ोक्ति निहाती भावे आम समस्त अभियोग धरवे कठोर रु कठोर शास्ति दिजिव बिल्कुल पुलिस दृढ़ोक्ति प्रकाश कर अतिरिक्त डीसीपी एने सूचना दे सारी जे तीन टीम गठन कर 10 घंटा मध्य समस्त अभियुक्त को धरा जाए बोली पुलिस स्पष्ट भाव में सूचना देती धन्यवाद नवे इस विशेष आलोचना। वर्षा अभिनेता गिरीश कर्नाड का परलोक 81 वर्ष बयस बेंगलुरु स्थित बासभवन देहांत होइछि। दीर्घ दिन धरी से असुस्थ थिले अनेक हिंदी और कन्नड़ चलचित्र अभिनय करिथिले गिरीश तांको वियोग रे सिने जगत रे शोकर छाय खेली जाइछि। गिरीश अनेक हिंदी चलचित्र अभिनय करिथिले एथिरे थिला निशांत मंथन स्वामी पुकार इकबाल आशाए एथिसो सलमान खान का अभिनीत एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है चलचित्र र मुख्य भाव अभिनय करिथिले गिरीश। अभिनय पूर्वर लिखित पुस्तक बेस लोकाद्रुत हो पारी लेखापाई 1972 संगीत नाटक एकाडेमी पुरस्कार प्रदान 1998 से ज्ञानपीठ पुरस्कार 1974 पद्मश्री 1992 पद्मभूषण कन्नड़ साहित्य परिषद पुरस्कार मिलता गिरीश को।
ଏଥିସହ ଦମଦାର ଅଭିନୟ ପାଇଁ 1980 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଶା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସପୋର୍ଟିଂ ଆକ୍ଟର ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତେରି କସମ ପାଇଁ 1982ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସପୋର୍ଟିଂ ଆକ୍ଟର ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ ଗିରିଶ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। ଓରିଏଣ୍ଟ ଥାନା କାଲିନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଠିକାଦାର ସଞ୍ଜୟ ଓରଫ ଗୁଡୁ ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଗୁଡୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡୁଙ୍କ ଉପରକୁ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଗୁଡୁଙ୍କ ପେଟରେ 2ଟି ଗୁଳି ବାଜିଛି। ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମଣ୍ଡାଳିଆସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ଜାମୁରଡ଼ା ଗାଁରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଗାଁର ବସନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ବସନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଅଜଣା ଯୁବକ ବସନ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଲୁଚାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବାପୁଜୀନଗରରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା। ଏହି ନଗରରେ ପ୍ରାୟ 40ଟି ପରିବାର ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ବାପୁଜୀନଗର ବାସିନ୍ଦା। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ରାଜଧାନୀରେ ମୁକୁଳ ପଡ଼ିଛି ଡ୍ରେନ୍। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ବଢ଼ାଉଛି ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଏ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହୋଇପାରିନି। କେବଳ ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, କୁଢ଼କୁଡ଼ା ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଡ୍ରେନ୍ ପାଖରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ବରମାଣିଆ ଗାଁ। ଗାଁରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଅଛି, ହେଲେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହୋଇନପାରିବାରୁ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଓ ମାଟି ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳଶୂନ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ 3 ରଥର 4 ଡାହାକା ଡେରା ପରମ୍ପରା ରହିଥିବାରୁ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବରୁ 42ଟି ଚକ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରିଛି 21ଟି ଅଖ କାମ। ଆଜି 3 ରଥର ଅଖ ଚକ ଡେରା ହେବ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କଠୁଆରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପଠାନକୋଟ କୋର୍ଟ। ଗତବର୍ଷ ଘଟିଥିବା ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣାରେ ଆଜି 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜି ରାମ, ଦୀପକ ଖଜୁରିଆ ଏବଂ ପରବେଜଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତିଲକ ରାଜ, ଆନନ୍ଦ କି ସୁମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଏହି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପାଠୁଆ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବଲିଉଡ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ କର୍ଣ୍ଣପାଲି ଗାଁରେ ଅଘଟଣ। ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ଖଣ୍ଡଗିରି, ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହକ୍ ମାଗିବ ଓଡ଼ିଶା। 7 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହା ହେବ ନବୀନ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭେଟଘାଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ଫୋନି ପାଇଁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବିଜେଡି କହିଛି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ନବୀନ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ହିତ ପାଇଁ ଲୋକସଭା ଉପବାଚସ୍ପତି ପଦ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇପାରନ୍ତି ନବୀନ। ନବୀନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଭ ହେବ। ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ମୋଦି ଭିତରେ କେବେ ଦୂରତା ନଥିଲା, ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 15 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
बजारे चाट खाउथिया बेले चढ़ीगला ट्रक भद्रकर नारायणपुर अंचल सड़क दुर्घटना जने मृत दुई गुरुतर सूचना अनुसाई नारायणपुर तीन जन बजारे चाट खाउथिया बेले द्रुतगति से आसुथिबा ट्रक टी भारसाम्य हराई सेमानंक उपरे चढ़ी जाइथिला घटनास्थल रे ही जनकर मृत्यु होई जाइथिबा बेले स्थानीय दुई जन लोक को गुरुतर अवस्था रे भद्रक मेडिकल को अणा जाइथिला मृत व्यक्ति होती सौभाग्य धल सेपटे दुर्घटना घटा ट्रक को स्थानीय लोके अटकई रखा बेले उत्तेजना देखाई धामनगर पुलिस घटनास्थल में पहुंच लोकों बुझाशा कर कोरापुट जिला बैपारीगुड़ा में काल बैशाखी तांडव गतका अपराह्न काल बैशाखी प्रभाव में विद्युत खुंट गछपत्र बहु बासघर नष्ट होता बेले जड़े गुरुतर आहत होती गुरुतर युवक जनक हलदीमाझीगुड़ार सुरेंद्र टाकरी से घरे बसिता बेले पवन जो घर टीण खसी पड़ा जो मुंडे आघात लगी प्रबल वर्षा सह पवन घड़घड़ी जो बैपारीगुड़ा में बहुत क्षयति होती हलदीमाझीगुड़ा काठीमिल साही कलोनीगुड़ा हाईस्कल कलोनीर अधिकांश घर नष्ट कुंदरा रास्तार द्विपार्श्वर गछ और बीएसएफ क्यांप्र आंब गछ नष्ट सूचना मिलवा पर अग्निशम विभाग पहुंच रास्ता कम आरंभ कर अधिकांश विद्युत खुंट क्षतिग्रस्त होगा फल अंचल विद्युत सेवा ठप हो सांसद चंद्राणी मुर्मू मयूरभंज ठाकुरमुंडा गस्त रुगुड़ी बेड़ा चंद्राणी को स्वागत संवर्धना दिया विराट पटुआर से सहर परिक्रमा करते से ठाकुरमुंडा ठारे प्रसिद्ध बसुणी मंदिर जा मां को दर्शन करते एक साधारण सभा में जोगद चंद्राणी करंजीआर किपर उन्नति हो पार से दिगरे काम करने से प्रतिश्रुति एथस लोकने सांसद भाव में जितई से अंचलवासी को धन्यवाद जनाई भद्रक स्थानीय डीआरडीए सम्मेलन कक्ष में जिले में समस्त बेसरकारी ओडिया और इंग्राजी माध्यम विद्यालय शिक्षक और शिक्षयित्री को नहीं एक तालीम शिविर अनुषित हो भद्रक बेसरकारी विद्यालय संघर सभापति अशोक महांती अध्यक्षतार प्रशिक्षण शिविर अनुषित होता प्रशिक्षण शिविर में जिलार समस्त अवसरप्राप्त शिक्षक और दक्षता संपन्न शिक्षक मैंने शिक्षक शिक्षयित्री को तालीम देते जहाँफल आगामी दिन में भद्रक शिक्षा क्षेत्र में व्यापक अभिवृद्धि घटव यह तालीम शिविर में 40 विद्यालय 250 रु अधिक शिक्षक शिक्षयित्री जोगद बेसरकारी विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री को नहीं एक तालीम शिविर अनुषित हो बालेश्वर सोर स्टेशन मालगाड़ी में अग्निकाण्ड कोईला बोझ ट्रेन में लगला निआ कोईला बोझ बगी धूआ बाहर खबर पाई ट्रेन को अटकई ड्राइवर पर अग्निशम विभाग घटनास्थल पहुंच निआ को आयत्त करी क्यों कारण निआ लगता स्पष्ट रही पारादीप हलदिया जाउथिया माल बोझ ट्रक कंधमाल रायकिया ब्लक करड़ा पंचायत अंतर्गत नीलमाधव जंगल में हाथी छुआर मृत्यु दंता हाथी और माई हाथी मध्य लड़े हाथी छुआटी पशि मृत्यु होता जमापड़ खबर पाई वन विभाग कर्मचारी घटनास्थल में पहुंच मृतदेह जबत कर पोती दी किसी दिन है जंगल में एक हाथी पल आ ग्रामवासी अभियोग करते हाथी पल जो नीलमाधव जंगल को जी ग्रामवासी भय कर केन्द्र राष्ट्रमंत्री होगा पर प्रथम कर बालेश्वर गस्तर जाते प्रताप षडंगी ता पुणी अधराती प्रताप गां गोपीनाथपुर में पहुंचा पर ग्रामवासी पक्षर स्वागत संवर्धना दिया परे बाजा बाण रोशणी में प्रताप को गांव को पछटी नहीं ग्रामवासी राति प्राय 12:30 प्रताप घर पहुंचा बेले विभिन्न लोक निज समस्या जनवाक आसते राति प्राय 2 पर्यंत लोकों सह आलोचना करते प्रताप मंत्री होगा पर भी बदली ना जीवनशैली निजर साधारण जीवनशैली को नहीं चर्चा थिबा प्रताप षडंगी केन्द्रमंत्री होगा पर भी जीवनशैली कौन परिवर्तन आसीना गतकाली निज गांव में पहुंचा पर आज सका पोखरी में गाधोले प्रताप पर निकट में मंदिर में निज झाड़ू कर पूजार्चना करते केरल में सक्रिय हो दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु केरल अधिकांश अंचल समेत तमिलनाडु में प्रवेश कर मौसुमी पानीपाग केन्द्र सूचना अनुजाई सप्ताह विलंबरे अर्थात जून 16 सुधा ओडिशा छुईपे मौसुमी मौसुमी प्रभाव में आगामी 24 घंटा मध्य राज्यर विभिन्न स्थान में स्वल्प मध्यम धरण वर्षा संभावना अच्छी
उपकूल ओडिशा समेत केन्दुझर मयूरभंज ढेंकानाल अनुगुल कंधमाल कोरापुट जिले में मध्यम धरणर वर्षा आशंका रही ताछड़ा कालबैशाखी सह वज्रपात सतर्कता जारी करछि पाणिपाग केन्द्र तबे सारा राज्य में जारी रहिबो गुळगुळी। राजधानी उपकंठ अंशपाल घटीता प्रीतम राउतराय हत्या मामलें प्रीतम बड़ भाई मामुन को गिरफ्त कर पुलिस। रविवार सका मामुन बालियंता आड़े मोटरसाइकेल जाता बेले पुलिस गिरफ्त कर निकट हत्याकांड में व्यवहृत भुजाली रक्तभुजा सार्ट को पुलिस जबत कर। हत्याकांड पर मामुन फेरार हो जा शनिवार रात स्टेसन में शोला अगर कौन कारण नुहे पारिवारिक बद जो से निज सान भाई प्रीतम को हत्या कर पुलिस पाखर स्वीकार कर। मिलिथिबा खबर अनुसार प्रीतम निज मां को निर्यातना देउथिबारु तांकर मृत्यु होइथिला। मां को मृत्यु पर से बड़ भाई मामुन और भाउजों को मध्य मारिदेवा को धमक देइथिला। प्रीतम धमक भय रे आतंकित थिला पूरा परिवार तेणु प्रीतम को सबुदिन पई रास्तार हटाइबा को चिंता करथिला मामुन। रविवार मामुन को कोर्ट चालन करिछि पुलिस। राज्य बीजेपी मानस मंथन निर्वाचन में राज्य में प्रदर्शन पूर्व अपेक्षा भल थे भी कहीं आठटी एमपी और 23 टी एमएलए सीट पाइला तार कारण खोजी दल वरिष्ठ नेता माने रुद्ध द्वारा बैठक में भूल के रहा तार तर्जमा कर। दुई घंटार रुद्ध द्वारा बैठक आलोचना बैठक में उपस्थित थे राज्य प्रभारी अरुण सिंह समेत केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान राज्य सभापति बसंत पंडा वरिष्ठ नेता कनकवर्धन सिंहदेव और विश्वभूषण हरिचंदन समेत एकाधिक तुंग नेता। दलर जिला सभापति प्रभारी और कार्यकर्ता बैठक होता दलय आंतर्घाती कार्य किसी सदस्य परास्त होता दलय पदाधिकारी पाखे अभोग होता यह सहित दल संगठन त्रुटि विच्युति मत रखि नेता। राज्य कांग्रेस करिछि मानस मंथन गांव को जाओ लोकों मत निय कौन कले दल आगक बढ़ नेतृत्व योग्य एनी मत मध्य संग्रह कर। कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग टीम प्रथम बैठक में होली निष्पत्ति कांग्रेस द्वारा गठित छटी कमिटी अच्छा तीन जन लेखाए सदस्य एक कमिटी में युव अभिज्ञ वरिष्ठ रही मोट 18 जनिया सदस्य विभिन्न जिला को जाई विपर्यर कारण खोजे सेपटे टिकट बंटन परिचालन कैंपेनिंग व्यापक त्रुटि होई मनमुखी भावे होई निर्वाचन परिचालन जहां को नहीं पीसीसी को टार्गेट करिछंती वेटरन। पटनागढ़ पूर्त विभाग कनिष्ठ जंत्री जयकांत सबर को बीच रास्तार विधायक कान धरी उठवास कराइबा वीडियो भाइराल घटना को 6 दिन बीतलाणी हेले विधायकों विरोध में पुलिस कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करपटे राज्य डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ बलांगीर एक गुरुत्वपूर्ण बैठक कर विधायक सरोज मेहर गिरफ दावी कर। एथसहित कंटाबांझी पूर्त विभाग कार्यनिर्वाही जंत्री लोकनाथ मिश्र विरोध में कार्यानुष्ठान दावी कर संघ एने जिलापा जरिया मुख्य शासन सचिव को स्मारकपत्र प्रदान कर विधायकों गिरफ करान गले संघ कलम छाड़ और कार्य बंद आंदोलन चेतावनी दी घटना नहीं जिलापा पटनागढ़ उपजिलापा रिपोर्ट दाखल कर। कनिष्ठ जंत्री को विधायक कान धरी उठवास करने घटनाटी सत केवल से नुहे कार्यनिर्वाही जंत्री माड़ मारी घटनार सत्यता जिलापा अरिंदम डाका खूब शीघ्र से राज्य सरकार को रिपोर्ट देबे सेपटे विधायकों विरोध में कौन कार्यानुष्ठान हो नथिबारु जयकांत सबर पर भयभीत हो पटनागढ़ छाड़ी नुआ गां निज गां नुआपड़ा को पलि आसछंती। पटनागढ़ जंत्री को विधायकों दुर्व्यवहार और उपरिस्थ वरिष्ठ जंत्री माड़ मरा घटना को दृढ़ निंदा करिछि ओडिशा डिप्लोमा इंजीनियर सर्विस एसोसिएशन। आज अनुष्ठित साधारण परिषद बैठक में प्रति जिले में प्रतिवाद करने को निष्पत्ति नहीं संघ एने राज्य 46 जाक शाखा को केन्द्रीय शाखा पक्ष निर्देश दी सूचना दी संघ संपुक्त विधायकों गिरफ करने को संघ दावी कर संपुक्त निर्वाही जंत्री को तुरंत चाकरी निलंबन करने को दावी कर संघ। केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी को भद्रक विभिन्न महलर स्वागत संवर्धना दीजाई प्रताप षडंगी केन्द्रमंत्री होगापर राज्य विभिन्न संगठन पक्ष विपुल संवर्धना दिया भंडारी पोखरी और भद्रक दलय कार्यकर्ता समेत विभिन्न संगठन पक्ष पुष्पगुच्छ मंत्री को स्वागत संवर्धना कर केन्द्र में क्षुद्र मध्यम शिल्प और प्राणी विभाग राष्ट्रमंत्री अच्छा प्रताप।
ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କର 88ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ହାଟପଦା ନିକଟରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୋଡ଼ି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ସ୍ୱାମୀ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରିବାର ଲୋକେ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରାୟ 60 ଭାଗ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ମାଲକାନଗିରି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯିବା ପରେ ପୋଲିସ ଆହତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଯାଜପୁର ଟମକା ଥାନା ଜନିନ୍ଦାପାଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ। ମୃତ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କର ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜନିନ୍ଦାପାଳ ଗାଁର ସଂଗ୍ରାମ ମଲ୍ଲିକ, ସହଯୋଗୀ ଉତ୍ତମ ଡାଙ୍ଗୁଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଫେରାର ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ, ଦୁଇଟି ଛୁରୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସହ ଗୋଟିଏ ବୁଲେଟ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ରାଜକିଶୋର ଦୋରା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ 6 ତାରିଖରେ ପୂର୍ବ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଗଳା କାଟି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ। ଦିନିକିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଲମ୍ବୋରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। କଲମ୍ବୋର ଇଣ୍ଡିଆ ହାଉସ୍ରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ହିଁ ଦେଶର ଛବି ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ କଥା ମନେ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍କାରରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ତିରୁପତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତିରୁପତିରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ମୋଦି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ମୋଦି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ ତିରୁମାଲା ଯାଇ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ସମୟ ସରିଛି, ଖବର ଫଟାଫଟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।